ठीक है ठीक है। चलिए यहाँ तक तो पढ़ लिया था ना, ये वातापी वाला था, इसके बाद ये बढ़ के कल्याणी वाला हो गया। यहाँ पे था पल्लव और चोल, ये वातापी वाला था और कल्याणी वाला, और वातापी के बाद निकला था कौन सा? राष्ट्रकूट। और यहाँ पे सामंत का जीवन जी रहा था चोल, और पल्लव शासन कर रहा था। ठीक है, यहाँ तक तो स्पष्ट हो गई थी बात। हमने बताया था कि यहाँ बंगाल है, बंगाल का एरिया है। बंगाल का एरिया मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड सब एक में। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब एक में था। बंगाल से बिहार अलग हुआ 1911 ईस्वी में, और उड़ीसा अलग हुआ 1936 ईस्वी में, झारखंड अलग हुआ 2000 ईस्वी में। अलग अलग हुआ, लेकिन उस समय अलग अलग वाला बिहार में बंगाल नहीं था, कंबाइंड बंगाल था। हमने बताया था यहाँ पे एक वंश शासन कर रहा था जिसका नाम है पालवंश। ठीक है, ये पालवंश के बारे में पिछले क्लास में भी हल्का सा चर्चा किया गया था, जब चोल शासक राजेंद्र चोल या राजेंद्र प्रथम ने इस पर क्या किया था आक्रमण। यहाँ तक तो बात स्पष्ट है। हमने बताया था कि उत्तर भारत में हर्षवर्धन शासन कर रहा था, तो हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो गई थी 647 ईस्वी में, कन्नौज क्या हो गया था? खाली हो गया था, क्योंकि हर्षवर्धन के बाद तो कोई शासक हुआ नहीं, वो खत्म हो गया। वो चूंकि शादीवादी किया नहीं था तो उसका वंशज था नहीं, तो कन्नौज क्या हो गया था? खाली हो गया था। और यहाँ वातपी की जगह पे कौन शासन कर रहा था? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट को थोड़ा नीचे लिख देते हैं, अब इसको हटा देते हैं। यहाँ पे किसका शासन हो गया था? राष्ट्रकूट का। यहाँ हो गया था पाल वंश का, और यहाँ हो गया था प्रतिहार वंश, जिसको गुर्जर प्रतिहार बोलते हैं। गुर्जर यहाँ पाल वंश, यहाँ राष्ट्रकूट, और यहाँ गुर्जर प्रतिहार, और ये वाला खाली था। ये पोस्ट क्या था? खाली था। और इसी को कब्जा करने के लिए ये और ये तीनों मिलकर क्या कर रहे थे? त्रिपक्षीय संघर्ष कर रहे थे। किसके लिए? कन्नौज के लिए। त्रिपक्षीय संघर्ष कर रहे थे कन्नौज के लिए। और हमने पिछले क्लास में ही बताया था सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ था? राष्ट्रकूट को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन ये पराजित हुआ था, और जीता कौन था? यहाँ तक बात स्पष्ट है जी। तो आज हम लोग देखेंगे पाल वंश, प्रतिहार वंश, और पाल वंश जब समाप्त हो जाएगा तो इसके स्थान पर आ जाएगा सेन वंश, उसको देखेंगे, और मध्य प्रदेश का आपको देखेंगे चंदेल वंश। कितने वंशों को आज हम लोग देखेंगे, चलिए देखते हैं। पहले पाल वंश को, पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किया था। स्थापना किसने किया था? गोपाल। अब देखिए कौन सा एरिया है ये, कौन सा एरिया? बंगाल का एरिया है ना, बंगाल का एरिया। तो आपसे पूछेगा कि पाल वंश का शासन किस क्षेत्र में था? बंगाल के क्षेत्र में था। इसकी राजधानी मुंगेर थी। ये चूंकि बंगाल, बिहार, उहार सब एक में था, उड़ीसा वगैरह, झारखंड वगैरह सब, तो ये राजधानी कहां पर आया था? मुंगेर को। ठीक है, इसके बाद जब इसने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया, एक अच्छा काम किया गोपाल ने। इसने बिहार शरीफ में, ये ऐसे लिखा था ना, बिहार शरीफ, बिहार शरीफ, शरीफ कैसे लिखाएगा, बिहार शरीफ में इसने क्या किया? उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया। उदंतपुरी विश्वविद्यालय। ठीक है, गोपाल ने क्या किया? उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया। और ये जो पाल वंश थे, ये बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा, ब्रजयान से वाकिफ है, आप लोग बौद्ध धर्म पढ़ चुके हैं ना, ये वही शाखा है जिसकी वजह से बौद्ध धर्म क्या हुआ था? समाप्त हुआ था, पतन हुआ था। तो बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा को कौन मानते थे? पाल वंश वाले। गोपाल के बाद बैठा धर्मपाल, गोपाल के बाद कौन आया? धर्मपाल।
धर्मपाल वह पहला शासक था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। इधर से पहला शासक यही था, ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या किया था? भाग लिया। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। ये पहला शासक था जो पाल वंश का नेतृत्व कर रहा था, किसमें? त्रिपक्षीय संघर्ष में। इसने एक अच्छा काम यह किया, इसने भागलपुर में, इसने क्या किया, भागलपुर में एक विश्वविद्यालय का निर्माण किया जिसको कहा जाता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया है? धर्मपाल। किसने किया है? धर्मपाल। धर्मपाल के बाद एक और शासक आया जिसका नाम है देवपाल। धर्मपाल के बाद कौन आया? देवपाल। देवपाल कुछ खास काम नहीं किया, लेकिन इसके शासन काल में एक मकसूद नामक अरबी यात्री आया था। मकसूद अरबी यात्री, अरबी यात्री, अरबी यात्री मकसूद किसके शासन काल में आया था? देवपाल। और आपसे पूछ देगा कि अल मसूदी किसके शासन काल में आया था? इंद्रजीत। देवपाल के बाद एक और शासक आया जिसका नाम है महीपाल। ठीक है, महीपाल वही शासक है जिसके शासन काल में के आक्रमण किया था? राजेंद्र चोल। राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र चोल, राजेंद्र प्रथम को राजेंद्र चोल भी कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि चोल का सबसे ज्यादा विकास राजेंद्र प्रथम के शासन काल में हुआ था, इसलिए उसका नाम राजेंद्र चोल भी कहा जाता है। तो महीपाल के शासन काल में राजेंद्र प्रथम ने क्या किया था? आक्रमण किया था। और कोई बता सकता है कि कौन कौन उपाधि धारण किया था? ये राजेंद्र प्रथम ने महीपाल पर आक्रमण करके कौन सा? गंगाईकोंड, यानी गंगा को जीत लिया। अब गंगाईकोंड उपाधि धारण करने के बाद जब अपनी राजधानी कहां कहां आया था? अरे चोल कहां राजधानी बनाया था? तंजौर में। तो तंजौर में जब अपना राजधानी बनाया था तो वहीं पर आके एक नया शहर बसाया था, क्या नाम है उसका बता सकते हैं? गंगाईकोंड चोलपुरम। गंगाईकोंड चोलपुरम, क्लियर। गंगाईकोंड चोलपुरम की शहर की स्थापना करके वहीं पे एक तालाब खनवाया था, उस तालाब का नाम क्या है? क्लियर है यहाँ पे। महीपाल के शासन काल में ये हुआ। महीपाल वो शासक है, देखिए, धर्मपाल तो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग ले लिया। आप घर से कितनों मजबूत हो या कितनों मजबूत राष्ट्र हो, यदि आप युद्ध में भाग ले लेते हैं तो आपका विकास रुक जाता है जी। आप बहुत धनी हैं, लेकिन अगर आपका लड़ाई पड़ोसी से चल रहा है या किसी से चल रहा है तो आपका विकास रुक जाएगा, क्योंकि सारा ध्यान कहाँ रहेगा? लड़ाई पर। वही हुआ, कन्नौज को हथियाने के चक्कर में जब पाल वंश इधर से गया, जिसका नेतृत्व सबसे पहले किसने किया था? धर्मपाल ने। तो धर्मपाल के समय में पाल वंश का विकास क्या हुआ? रुक गया। लेकिन जब महीपाल गद्दी पर बैठा तो विकास को पुनः गति दिया, जिसके कारण से महीपाल को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो गोपाल। और द्वितीय संस्थापक कौन है? यहाँ तक बात स्पष्ट है। इसके बाद इसका अंतिम शासक आया, अंतिम शासक जिसका नाम है आनंदपाल। आनंदपाल कहीं कहीं बुक में रामपाल भी दे देता है, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, इसको याद रखिएगा। अंतिम शासक कौन था? आनंदपाल। पाल वंश समझ में आया? पाल वंश का जब पतन हो गया, यानी आनंद पाल जब समाप्त हो गए, तब पाल वंश के जगह पर ही सेन वंश आ गया। कौन सा वंश आ गया? सेन वंश। एरिया यही है, बस वंश बदल गया। यस सर। एरिया बंगाल का ही है, लेकिन वंश बदल गया। वंश में कौन आ गया? सेन वंश। सेन वंश के बारे में इतना ही जगह में हो जाए, इधर दिख रहा है इसमें, आ रहा है। देखिए सेन वंश के बारे में, सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने किया था। किसने किया था? सामंत सेन ने किया था। सामंत सेन अपनी राजधानी राजधानी नदिया
इसको लखनऊती भी बोलते हैं, नदिया या लखनऊती, ये बंगाल का एरिया है। नदिया या लखनऊती को बनाया, ये कुछ खास काम नहीं किया। इसके बाद जो शासक आया, अगला शासक वो था विजय सेन। कौन था? विजय सेन। इसने भी कुछ खास काम नहीं किया। उसके बाद जो शासक आया उसका नाम है बलाल देव, बलाल सेन, देव नहीं जी, बलाल सेन, बलाल सेन, बलाल सेन, ठीक है, बलाल सेन, हाँ ठीक, बलाल सेन, बलाल देव, बोला बलाल देव, बाहुबली और नहीं, बलाल सेन जब आया तो इसने दो रचना किया। इसकी दो रचना है, एक रचना है दान सागर और एक है अद्भुत सागर। रचना मैंने बुक लिखा जी, दो रचना किया बलाल सेन, कौन कौन, दान सागर और अद्भुत सागर। और इस वंश का अंतिम जो शासक हुआ, अंतिम शासक वो था लक्ष्मण से। कौन था? लक्ष्मण से। ये वही शासक है, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछा गया है कि लक्ष्मण सेन के दरबार में कौन सा राइटर रहता था, लेखक रहता था। तो आप याद करिए, एक नाम आया होगा जयदेव। जयदेव बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि जयदेव किसके दरबार में रहते थे, लक्ष्मण सेन। ये वही जयदेव है जिसने गीत गोविंद की रचना की, गीत गोविंद की रचना की है। और गीत गोविंद से कितना बार क्वेश्चन पूछा है, इतना बार पूछा कि बता नहीं सकते। बहुतों बार हम तो रेलवे का लगभग लगभग सेट उठा के देखे, सभी सेटों में एक दो क्वेश्चन यहाँ से रहता ही है कि गीत गोविंद की रचना किसने की है, और जयदेव किसके दरबार में रहते थे, लक्ष्मण से। न दे और दे दे सेन वंश, तब सेन वंश, क्लियर है। आपसे पूछ दे जयदेव किस वंश में रहते थे, सेन वंश में रहते थे। लेकिन अगर इंडिविजुअली पूछ दे किस शासक के दरबार में रहते थे, उन्होंने कौन सी पुस्तक रचना की है, यहाँ तक स्पष्ट है। ये हो गया सेन वंश। अब देखेंगे हम लोग गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। प्रतिहार वंश का जो एरिया देख रहे हैं आप, कौन सा एरिया है, गुजरात का एरिया, कौन सा एरिया है, गुजरात का एरिया है। इसकी स्थापना नाग भट्ट प्रथम ने किया था, नाग भट्ट प्रथम, नाग भट्ट प्रथम, इसकी स्थापना कौन किया था, नाग भट्ट प्रथम ने किया था। और इसका जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है, गुजरात। इस वंश का जो एक और शासक आया जो सबसे महत्वपूर्ण आता है, उसका नाम है वात्सल्य, वात्सल्य। इस वंश का अगला शासक कौन हुआ, वात्सल्य। वात्सल्य वो शासक है जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले भाग लिया था, त्रिपक्षीय, ठीक लिखा है ना, वात्सल्य, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन भाग लिया था इधर से, वात्सल्य। वात्सल्य के बाद एक और शासक आया जिसका नाम है, जो सबसे प्रतापी था, मिहिर भोज। वात्सल्य के बाद सबसे प्रतापी राजा कौन बैठा, मिहिर भोज ही वह शासक था जिसने फाइनली कन्नौज पर क्या कर लिया, विजय प्राप्त कर लिया। यानी मिहिर भोज सबको हरा के भगा दिया, पाल वंश को भी समाप्त कर दिया, राजपूत को भी वहां से हटा दिया, और पूर्ण रूप से कन्नौज पर कौन कब्जा कर लिया, मिहिर भोज ही वह शासक है जिसने कन्नौज पर क्या कर लिया, पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया। और मिहिर भोज कन्नौज को क्या किया, जीतने के बाद इसको राजधानी बना दिया, कन्नौज को राजधानी बनाया, कौन, मिहिर भोज ने ही पाल वंश और राष्ट्रकूट को वहां से हटा दिया और पूर्ण रूप से कन्नौज पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। यहाँ तक बात स्पष्ट है। इस वंश का अगला शासक था अनंगपाल, 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 अनंगपाल ने ही दिल्ली शहर की स्थापना करवाया था। यस सर। दिल्ली शहर यहाँ है ना, भारत की राजधानी। दिल्ली शहर की स्थापना किसने करवाया है, अनंगपाल ने। अनंगपाल किस वंश से संबंध रखता है, प्रतिहार वंश से। गुर्जर प्रतिहार हमेशा नहीं देगा, प्रतिहार देगा। प्रतिहार वंश से, किस वंश से संबंध रखता है, प्रतिहार वंश से। इस वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक यशपाल था। कौन था, यशपाल था।
यहाँ तक स्पष्ट है जी। आप लोग पाल वंश देख चुके हैं, राष्ट्रकूट देख चुके हैं, गुर्जर प्रतिहार देख चुके हैं, कनौज पे कब्जा भी हो चुका है। कनौज पे किसने कब्जा कर लिया? मिहिर भोज। मिहिर भोज किस वहां से संबंध रखता है? क्लियर है यहाँ तक जी। अब हम लोग देखेंगे यहाँ मध्य वाला, यहाँ पे आया चंदेल। कौन आया? चंदेल वंश। यहाँ तक स्पष्ट है, एक बार रिवाइज करके तो फिर आगे चलते। पाल वंश का स्थापना किसने किया? भोपाल ने राजधानी कहाँ बनाया? ये पूरा एरिया किसका है? बंगाल का एरिया, बंगाल का। बिहार शरीफ में उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया? भोपाल ने। इस वंश के यानी पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म की किस शाखा को मानते थे? ब्रजियान को। गोपाल के बाद कौन शासक बैठा? धर्मपाल ही वह शासक है जिसने किस संघर्ष में भाग लिया? धर्मपाल ने भागलपुर में कौन सा विश्वविद्यालय बनाया? धर्मपाल के बाद कौन सा शासक आया? देवपाल के शासन काल में अरबी यात्री कौन आया था? देवपाल के बाद एक शासक बैठे कौन? महीपाल को पाल वंश का क्या कहा जाता है? संस्थापक महीपाल के शासन काल में ही चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने क्या किया था? आक्रमण किया था और इसको पराजित किया था, तो कियर के शासन कर लिया था, वो कब्जा कर लिया था। नहीं, क्या किया था? एक दो पहले गंगा नदी को जीतने के बाद, मैंने गंगा नदी से पानी लेने के बाद उसको कहा कि तुम शासन करो, हम चले जी। और गंगा पानी को लेकर कौन सा उपाय धारण किया था? इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? पाल वंश जब समाप्त हो गया तो उसी के स्थान पर यानी बंगाल के एरिया में कौन वंश आया? सेन वंश की स्थापना किसने किया? सामंतसेन ने। सामंतसेन ने राजधानी कहाँ बनाया? लखनऊ थी। उस वंश के सामंत के बाद कौन बैठा? कुछ खास काम नहीं किया, उसके बाद कौन बैठा? भला सेन ने कैठ पुस्तक लिखा, दो रचनाएं की, कौन कौन? इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? लक्ष्मण सेन के दरबार में ही कौन रहते थे? जयदेव ने कौन सा पुस्तक लिखा है? क्लियर है यहाँ पर? आप इधर देखेंगे प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश गुजरात के एरिया में है और प्रतिहार वंश की स्थापना किसने किया था? नागभट प्रथम ने। और एरिया कौन सा है? नागभट प्रथम के बाद कौन आया? वात्सल्य ही त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या किया था? यह प्रथम शासक था प्रतिहार वंश की तरफ से। वात्सल्य के बाद कौन बैठा? मीर भोज ने कन्नौज पर पूर्णतः क्या कर लिया? विजय प्राप्त कर लिया। विजय प्राप्त करने के बाद कन्नौज को क्या किया? राजधानी बनाया। इसका बाद एक और शासक हुआ जिसका नाम है अनंगपाल। अनंगपाल ने ही दिल्ली शहर की क्या की थी? स्थापना की थी। और इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? यहाँ तक क्लियर है? अब चलते हैं चंदेल वंश की तरफ। चंदेल वंश जो है इनका एरिया मध्य प्रदेश का है, एमपी का है, मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में चंदेल शासक जब शासन करने शुरू कर दिए, इनका जो ड्यूरेशन है तकरीबन 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में, तो उस समय इन्होंने मंदिर निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मध्य प्रदेश में देखिएगा बहुत ऐतिहासिक मंदिर मिलेंगे आपको, वो सारे निर्माण का श्रेय किनको जाता है? चंदेल वंश को जाता है। चंदेल वंश की स्थापना आप चंदेल वंश देख रहे हैं, ठीक है? चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने किया था। नन्नुक किसने किया था? नन्नुक ने। चंदेल वंश की स्थापना किसने किया था? नन्नुक जब स्थापना किया, और इनका जो महत्वपूर्ण योगदान है वो मंदिर निर्माण में, किसमें है? मंदिर निर्माण में। मंदिर निर्माण में भी इन्होंने बेसर शैली का प्रयोग किया है। बेसर शैली, जिस प्रकार से हमने आपको बताया था गंधार शैली, मथुरा शैली, उसी प्रकार से बेसर शैली भी है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। हल्का सा बता देते हैं अभी कि बेसर शैली को मिश्रित शैली भी कहा जाता है। मिश्रित शैली, मिश्रित शैली का मतलब ये होता है कि दक्षिण भारत का डिजाइन और उत्तर भारत का डिजाइन को मिलाकर बनाया गया मिश्रित शैली, जिसको बेसर शैली भी कहते हैं। मतलब एनहू वाला कुछ हिसाब किताब लगाया और उन्हू वाला हिसाब लगाया, दोनों मिक्स करके जो बनाया, तो उसी को क्या कहा गया? बेसर शैली कहा गया। यहां तक स्पष्ट है? चंदेल वंश का जो प्रारंभिक राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी वो कालिंजर थी।
कहाँ थी? कालिंजर थी। लेकिन इसी वंश में एक राजा आएगा जिसका नाम है धंग, ठीक है, इसी वंश का एक राजा है धंग, उसने राजधानी को खजुराहो पर स्थानांतरित कर दिया था। इस वजह से कहा जाता है कि चंदेलों की राजधानी कहाँ थी? कालिंजर। यदि आपसे इंडिविजुअली प्रश्न पूछे कि चंदेल वंश का प्रारंभिक राजधानी कहाँ था, तो आप कालिंजर बताइएगा। लेकिन अगर सीधे पूछ दे कि चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी, खजुराहो, खजुराहो मान लीजिएगा। लेकिन अगर प्रारंभिक लगा हुआ रहेगा तो आप कालिंजर लगा, ठीक है। नन्हू के बाद एक और इसका प्रतापी शासक हुआ जिसका नाम है यशोवर्मन। यशोवर्मन विष्णु उपासक था, यानी विष्णु भगवान का पुजारी था, विष्णु उपासक था। इसने क्या किया कि खजुराहो में, अभी तो खजुराहो है ना मध्य प्रदेश में, तो खजुराहो में इसने क्या किया कि विष्णु भगवान का मंदिर बनवाया, विष्णु मंदिर बनवाया। और इस मंदिर को चतुर्भुज मंदिर भी कहा जाता है। चतुर्भुज मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश। कौन बनाया? यशोवर्मन। ये विष्णु का उपासक था, इसलिए इसने क्या किया, विष्णु मंदिर बनाया। और उस मंदिर को क्या कहा जाता है? चतुर्भुज। इस वंश का अगला शासक हुआ धंग, राजा धंग, ठीक है। राजा धंग शिव भक्त था। कौन सा भक्त था? शिव भक्त था। इसने क्या किया कि खजुराहो में ही शिव मंदिर बनाया। कौन सा मंदिर बनाया? शिव मंदिर। शिव मंदिर को ही, शिव मंदिर को ही कर दिया। इसका नाम है, अच्छा आएगा भी बताते हैं। अच्छा, शंकर भगवान का बहुत सारा नाम है, महाकाल भी नाम है, रुद्र भी नाम है, महाकाल भी नाम है, और भी बहुत सारा, गाड़ी को भी लिख के चलते हैं। तो कंदरिया महादेव, कंदरिया महादेव कहा गया शिव मंदिर को, ठीक है, कंदरिया महादेव कहा गया। और ये सबसे ज्यादा फेमस हुआ, ठीक है, कंदरिया महादेव सबसे ज्यादा फेमस हुआ। और महादेव जी का सवारी का है, बैल का नाम है नंदी। आप कहीं भी देखिएगा, आप देवघर में भी चले जाइएगा तो नंदी का बाहर में एक प्रतिमा लगा हुआ है। तो यहाँ पे जब कंदरिया महादेव का बना फोटो, तो वहाँ पे नंदी बैल जो है ना, नंदी बैल का प्रतिमा बनाया गया है, जो कि सबसे बड़ा है, ठीक है। यही राजा धंग है जिसने राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दिया? खजुराहो। कहाँ पे? खजुराहो। ये राजा धंग ही कहाँ स्थानांतरित कर दिया? खजुराहो में। राजा धंग के बाद एक शासक आया जिसका नाम है विद्याधर कह सकते हैं, ठीक है जी। विद्याधर थोड़ा स्वभावी मानी, मतलब ये नहीं चाहते थे कि कोई हमारे राज्य में लाकर कुछ लफड़ा करे हमारे रहते हुए जी। तो इनको स्वाभिमानी बोल सकते हैं। तो विद्याधर स्वाभिमानी किस्म के थे। ये जब शासन कर रहे थे, ये शासन कहाँ कर रहे थे? चंदेल वंश पर, मतलब कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। और यहाँ पे चल रहा था गुर्जर प्रतिहार, नहीं चल रहा था, मतलब ये गुजरात का एरिया है, ठीक है। यहाँ पे शासन कर रहा था जिसका नाम है राज्यपाल। राज्यपाल नहीं था, राज्यपाल नाम था जी, ठीक है। तो गुजरात पे शासन कौन कर रहा था? राज्यपाल। और ये शासन कर रहे थे कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और जब ये शासन कर रहा था गुजरात में ना, तो इधर से आ गया महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अब लोग धीरे धीरे कहाँ पहुंच रहे, ठीक है। अब महमूद गजनवी, अभी तो अरबी यात्री आते थे और चले जाते थे अपना हिसाब किताब लगा के, लेकिन अब जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? लूटने आ रहा है। कैसे? देखिएगा, नहीं, भारत है ना, भारत के बाद कौन एरिया होता है? ईरान, इराक, अरब 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 तरफ का एरिया है। अभी इसके बारे में नहीं पढ़ना है, जिसके बारे में डिटेल्स नहीं बता रहे, अभी हम आपको दिखा रहे हैं इसके बारे में ना, बता रहे हैं कि ये आया था। अरे बस समझ में। तो महमूद गजनवी 1024 ईस्वी में भारत आ गया,
उस समय गुजरात में कौन शासन कर रहा था? राज्यपाल। और मध्य प्रदेश में कौन शासन कर रहा था? विद्याधर। और राज्यपाल का किया कि महमूद गजनवी जब भारत पर आया, ठीक, बहुत सारे स्थानों को लूटा। एक जगह ये फेमस इसलिए हो गया, सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। गुजरात में कौन सा मंदिर है? सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर इसलिए फेमस हो गया क्योंकि इस मंदिर में बहुत सारे सोना था। सोना को तो लूटबे किया, ऊपर से मंदिर को तोड़ा, ठीक है। तो घर में चोरी हो जाए तो उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन मंदिर में अगर चोरी हो जाए कितना देखते हैं ना, प्रशासन अलर्ट हो जाता है। घर में चोरी होता है तो चलो भाई कोई बात नहीं। तो ये तो घर में बहुतों को लूटा, बहुत जगहों को लूटा, लेकिन फेमस कौन सा हुआ? सोमनाथ मंदिर। क्योंकि सोमनाथ मंदिर एक मंदिर था, धर्म स्थल था, और वहां पे सोना चांदी भी बहुत ज्यादा थी। तो राज्यपाल जब गुजरात में शासन कर रहा था तो उसी समय 1024 ईस्वी में कौन आया? महमूद गजनवी। अब महमूद गजनवी आया तो राज्यपाल जो था ये गुजरात का शासक, ये कहा कि भैया आइए, हम कुछ नहीं करेंगे। ये भाग गया डरा के, डर कर भाग गया। बहुत टेंशन हो गया इसको कि बताओ ये ऐसा बौरा है, ये डर के भाग गया, लड़ा नहीं। तो ये बुलाया उसको, किसको? राज्यपाल को, किधर आओ। तो ये नहीं आया, नहीं आया तो ये गया और जाके एकरा मार दिया। जाके इसको क्या कर दिया? मार दिया, हत्या कर दी। विद्याधर, विद्याधर ने क्या कर दिया? राज्यपाल को हत्या कर दिया। इसको क्या कर दिया? हत्या कर दिया। कहा कि कायर कहीं के। अब सुनिए, कायर इसलिए बोला, कहा कि अगर महमूद गजनवी आया और तू नहीं लड़ा, जब वापस जाएगा तो वहां क्या कहेगा बता? जी कहेगा ना, कह रहे कुछ नहीं था, मन बढ़ेगा ना। अब यही मन बढ़ा, इसी वजह से महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी भी आया, और भी बहुत सारे आक्रमणकारी आए, तैमूर लंग आया, बाबर आया, सब आया, भारत के लूट के ले गया। इसने इसने बबलोन के चक्कर में, अगर ही लड़ा होगा अरे तो आया ना बाबर, आया अगर बेटा हुमायूं को मार के भगा ना दिया था, फिर आया, जान रहा था कि वहां एक से एक नालायक बैठल है। हुमायूं तो भाग गया था ना जी, तो फिर आया ना, वो आया, फिर अंग्रेज आया, फिर डच आया, पुर्तगाली आया, फ्रांसिस आया, कौन नहीं आया, सब आया, सब आके तो लुटिए के ले गया बचा का। तो ऐसा ऐसा कायर नालायक लोग था, अगर लड़ा होता तो भारत का इतिहास कुछ और होता, नहीं लड़ा जिसकी वजह से भारत का इतिहास में होगी सपोर्ट नहीं, अगर लड़ा होता तो इसके बाद का जो कहानी है। अब महमूद गजनवी आया, लूटपाट के ले गया, जाकवा बोला होगा अरे कुछ नहीं है, जाओ ना, बड़ी मजा आ रहा है लूटे में, बड़ी सोना चांदी मिलेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, जाओ अगर ऐसे सीना तान के भाग जाएगा। अब देखो भागा, हम जाके लूट के लाए, देखो इतना लोग, थोड़ा सा आराम से जाइएगा। ऐसा ऐसा कायर अगर ये लड़ा होता तो बात अलग होती, लेकिन लड़ा नहीं तो ये विद्याधर को थोड़ा सा बुरा लग गया, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा बुरा लग गया। अब बुरा लगा तो उसको बोला कि नहीं आया, तो जाके मार दिया उसको, कहा कैसा कायर है। अब महमूद गजनवी गया वहां जाके बता दिया, तो फिर मोहम्मद गौरी आया, मोहम्मद गौरी आया तो कहा कैसा करो कि हम जा रहे हैं, तू ऐजे रहो, ऐजे रहो मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला कि तुम यही रहो, उसका गुलाम था ना। तो कुतुबुद्दीन कहा कि ठीक है, तो हम ही रहते हैं। अब रहना शुरू कर दिया, रहते 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 फिर बहुत लंबा कहानी चल गया। तो फिर उधर से बाबर आया, बाबर आया, बाबर अपना खानदान यही बसा दिया, बाबर उधर से, बाबर वहां से शौकी नहीं आया था, बाबर को बाप के मार वार दिया था उधर, मार वूर के इसको भगा दिया था, इसको बेदखल कर दिया था। तो फिर कहा कि चलो भारत में चलते हैं, तब भारत तरफ आया था, ठीक है, अफगान से आया था। तो अफगान से बाबर को भगा दिया गया था, तब आया था इधर, आया तो इधर बसा दिया कुल खानदान। फिर अंग्रेज आ गए, बाबर को सर डच आ गए, बुलाया गया था तो अभी उसका अलग ना कहानी है। क्या करिएगा, हमें तो अपना न लूटा गैरों में कहा दम है। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है। अब जो है ये क्या हम लोग पढ़ रहे थे, चंदेल, चंदेल का जो अंतिम शासक हुआ वो परमारदी, इसका अंतिम शासक हुआ, अंतिम शासक परमारदी।
अब परमार्दी यहाँ पे बैठा था जी, ठीक है, चंदेल के शासन कर रहा था कौन, परमार्दी, और यहाँ पर है राजस्थान जी, यहाँ पे बैठेंगे चौहान वंश लोग। तो आप देखिएगा भारत का इतिहास, कि भारत का इतिहास में एक तंत्र चंद्रगुप्त मौर्य तक था, मौर्य काल में देखे थे ना, मौर्य काल जब मगध साम्राज्य में था तो वो पूरे देश पे कंट्रोल किए हुए था, सारा कंट्रोलिंग मगध से होता था, अशोक में और बेहतर तरीका से होता था। जब इसमें आइएगा तो आप देखिएगा कुछ हद तक हर्षवर्धन उत्तर भारत में कंट्रोल करके रखा था, लेकिन हर्षवर्धन के मरने के बाद भारत में इतने टुकड़े हो गए, इतने शासक हो गए छोटे छोटे में, कि बाहर लोगों को मौका मिल गया। यहाँ देखिए गुजरात भी है, यहाँ ये है, वो है, ये है, और यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे चौहान वंश है, उसी का एक शासक था पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय भी बोलते हैं, कभी दे दे पृथ्वीराज तृतीय तो आप सीधा समझिएगा कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में बोल रहा है। तो पृथ्वीराज चौहान परमार्दी को क्या कर दिया, हरा दिया, हरा कर ये पूरा क्षेत्र को अपने में मिला लिए, ठीक जी, इसको अपने क्षेत्र में मिला लिए। अब पृथ्वीराज चौहान को कौन हरा दिया था, मोहम्मद गौरी आखिरी हरा दिया था, द्वितीय युद्ध में हरा दिया था, उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। और इसको हराने के बाद अपना एक गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन छोड़ दिया था, और वहीं से शुरू हो गया गुलाम वंश। अब गुलाम वंश धीरे धीरे आगे बढ़ते गया, गुलाम वंश आया, खिलजी वंश आया, आते 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 बहुत कुछ आया, इसके बाद यहाँ तक समझ में आया। तो ये है पूरा भारत का राम कहानी। अब कुछ कुछ छोटे छोटे वंश पढ़े बचे हुए हैं, उसके बारे में हम एक दो क्लास में खत्म कर देंगे, तो प्राचीन इतिहास आपका समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे मध्यकालीन। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आई। यस सर।